हेलो गाइस, आज हम नया वीडियो लेके आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रॉयल एनफील्ड का मेट्योर बाइक है। इसमें दो तीन प्रॉब्लम लेके आया। इस बाइक में मिसफायरिंग प्रॉब्लम है और चलते चलते बीच रास्ता पे स्टार्ट ऑफ हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम है, सेल्फ कभी कभी लेता है और कभी कभी नहीं लेता है। सेल्फ का प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम है इसका, एमआई लाइट कंटिन्यू जलता रहता है। आइए देखते हैं क्या हुआ, आखिर क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों ये देखिए, अभी हम सेल्फ कर रहे हैं, सेल्फ में स्टार्ट नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या करें, तब तक आप लोग ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों आरएस साइड कवर में चार रिले होते हैं और अभी ये न्यू मॉडल में फोर पिन रिले आता है। ये है दोस्तों पंप रिले और ये पावर रिले। इसमें एक है AESO रिले और एक है AUX स्टार्टर रिले। अभी देखिए, ये वाला जो रिले है ये पावर रिले, ये लूज कनेक्शन है और इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है और इसके अंदर से एक पिन निकल गया, इसीलिए स्टार्ट प्रॉब्लम कर रहा था और बीच रास्ता पे कभी कभी स्टार्ट ऑफ हो जाता है। अभी सेल्फ करके देखते हैं स्टार्ट होगा कि नहीं। देखिए अभी यहाँ पे एमआई लाइट जल रहा है। उससे पहले हम सब रिले को सही जगह पे बिठाते हैं ठीक ठाक करके। अभी देखिए ये सब प्रॉपरली ठीक कर लिया, अभी सही जगह पे बिठाते हैं, हो गया। अभी हम डंगल लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये डोंगल है, इसको बारे में किस किस को पता है आपको कमेंट बताइएगा जरूर। ये डोंगल से क्या करते हैं और किस तरह काम करते हैं और इसका डीटी से किस तरह ऑफ करते हैं वही हम लोग दिखाएंगे। अभी देखिए, इसको लगाने के लिए बाइक में ही आपका एक कपलर मिल जाएगा जो बैटरी के साथ रहता है। ये मेट्योर बोल के नहीं है, आपका जो भी मॉडल है मेट्योर हो या फिर आपका क्लासिक हो, हिमालयन हो, सब में काम आता है। सिर्फ 650 को सॉरी 650 के लिए इसका काम नहीं आता, बाकी जितना मॉडल है सब में काम आता है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ DTC ऑफ करने के लिए, जैसे गाड़ी में रखता है कि MI लाइट, जैसे कि ये वाला ये जो लाइट है ये MI लाइट। ये कब आता है, जब बाइक में कोई सेंसर वगैरह हो या फिर वायरिंग का प्रॉब्लम हो तभी उसका लाइट आता है। तो उसको हम लोग ऑफ करेंगे। अभी उसको ऑफ करने के लिए एक ऐप रहता है जो आपका मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ता है, रॉयल एनफील्ड का ऐप है। वो सिर्फ ऑथोराइज डीलर या फिर आपका जिसके पास ये डोंगल अवेलेबल होगा उसी के पास ही मिलता है वो, तो उसी का ऐप से ही हम लोग अब ऑफ करेंगे उसको। देखिए इसके लिए आपका ये वाला रॉयल एनफील्ड का ऐप रहता है, ये वाला जो मैकेनिकल ऐप है, इसको पहले ओपन करने के बाद ओपनिंग गेट इस तरह आता है और इसमें आपका हर एक पोर्ट का आता है। जैसे कि आपको DTC चेक करना है तो DTC में क्लिक करना है, तो फिर इसका आपको कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट हो गया, अभी इसका DTC हम लोग चेक करेंगे।
इसका कुछ डाटा दिखा नहीं रहा है क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम था वो सेंसर का नहीं था, इसका एक वायरिंग कपलर का प्रॉब्लम था। तो वायरिंग कपलर में प्रॉब्लम होने से आपका अगर वो ठीक होता है तो उसका डीटीसी निकलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर नो डाटा निकलेगा। तो उसको हम लोग जब क्लीन करेंगे तो क्लीन करने के साथ साथ उसका जो MLR रहता है ना वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। जैसे कि इसका हम लोग क्लीन कर दिए और देखिए इसका MLR खत्म है। तो MLR हटाने के लिए यही उपाय है उसका। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ नो डाटा के जगह में वो DTC रहता है कि कुछ तरह प्रॉब्लम है या फिर क्या है। तो कभी अगर DTC कुछ निकलेगा तो हम लोग ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल के लिए यही छोटा सा एक अपडेट था दिखाने के लिए, वही हम लोग दिखा दिए। ताकि कमेंट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे हमको कैसा लगा वीडियो। ताकि इस DTC डोंगल के बारे में, आपको डोंगल के बारे में अगर कोई कुछ जाना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू।